तो आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात सुनी, उन्होंने डीजीपी के आदेश के बारे में बताया, पुलिस क्या एक्शन ले रही इसके बारे में बताया। आइए इस बारे में और ज्यादा बात करते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता जो इस खबर पर निगाह बनाए हुए हैं लखनऊ से, इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विवेक, हमने अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात सुनी, क्या डीजीपी के निर्देश हैं वो सारा वक्तव्य अभी हमने देखा, हमारे दर्शकों ने देखा। विवेक, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में पुलिस पर एक बहुत गंभीर सवाल है, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और ये एक्शन बहुत लाजमी सा था जो हो गया है। विवेक, एक बात जरूर हमारे दर्शकों को समझाइए कि निर्देश डीआईजी झांसी को है कि वो तब तक मौके पर कैंप करेंगे जब तक कि कोई संतोषजनक कार्रवाई न हो जाए, ये संतोषजनक कार्रवाई से क्या अर्थ समझा जाए? देखिए राजेंद्र, अभी शुरुआती जो जांच हुई है, शुरुआती जो शिकायत मिली है उसके आधार पर जो जांच हुई है और उसमें जो जो नाम प्रकाश में आए हैं, वो तो एक तो इंस्पेक्टर है तेलगधारी सरोज, उसके बाद जो नाम सामने आए यानी पूरा थाने के स्टाफ। अगर रात में घटना हुई है तो रात में क्या गाइडलाइन है किसी को थाने पर आने की और उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? अगर वो महिला है या बच्ची है तो उसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? उस समय लेडी पुलिसकर्मी मौजूद रहनी चाहिए? अगर वो रेप जैसे गंभीर आरोप लगा रही है तब क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरह से उसकी सुनवाई होनी चाहिए? यानी अगर थाने में कोई रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता आती है, चाहे वो महिला हो या फिर वो बच्ची हो, तो उसके जब वो शिकायत करती है उस दौरान पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी रहने चाहिए। ये सारी प्रक्रिया यानी अभी शुरुआती कार्रवाई तो हो गई, लेकिन अब इस मामले में आखिर प्रोसीजर क्या हुआ? जिस समय वो थाने आई उस समय से लेकर जिस समय वो थाने से बाहर निकली उस समय तक की प्रक्रिया जानने के लिए डीआईजी को वहां पर भेजा गया है कि रात में आखिर क्या हुआ था थाने पर, क्या एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु, एक एक मिनट की रिपोर्ट वो बनाएंगे और 24 घंटे में ये रिपोर्ट उनको देनी है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर थाने में कोई पीड़ित आता है तो सुपरवाइजरी अफसर भी है, एक डिप्टी एससी रैंक का यानी सीओ होता है, उसके ऊपर एएसपी लेवल का अधिकारी होता है और उसके ऊपर एसपी लेवल का अधिकारी होता है। इन लोगों की क्या जिम्मेदारियां थी, इनको क्या बताया गया था, इंस्पेक्टर ने कोई ऐसा इनको जानकारी दी थी कि एक गैंग रेप का मामला, चूंकि ये 4 दिन पुराना 5 दिन पुराना मामला है, बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था, ये मालूम था पुलिस को, वहां की जो थाने की पाली थाने की पुलिस है, और ये जानकारी अधिकारियों के पास भी थी कि बच्ची से गैंगरेप हुआ है और वो थाने गई है शिकायत दर्ज कराने, लेकिन थाने में आई है उसके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उससे कैसे पूछताछ हो रही है, इंटरोगेशन अगर करना है तो किन लोगों से करना है, कौन कौन आरोपी है, क्या ये जानकारियां एसपी या सीओ लेवल के अधिकारी को दी गई थी? अगर दी गई थी तो उनका क्या एटीट्यूड था, उनके क्या निर्देश थे, क्या उन निर्देशों का पालन किया गया? 24 घंटे के भीतर जो डीआईजी झांसी को जांच करनी है वो उस जांच में ये सारे बिंदु आएंगे, ये सारे बिंदु आएंगे। तो अभी तो थाना लाइन हाजिर हुआ है, इसके बाद सीओ के ऊपर भी कार्रवाई होगी, उसके बाद केएसपी के ऊपर भी कार्रवाई होगी, जो जो दोषी पाए जाएंगे जिनकी जिनकी लापरवाही सामने आई है। रात का मामला था तो क्या एसपी स्तर के अधिकारी वहां खुद पहुंच सकते थे? जब ऐसा संवेदनशील मामला है, 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, 4 लोगों ने रेप किया था, गैंग रेप की घटना, उनको मौके पर जाना चाहिए था, उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, एक महिला अधिकारी को मौके पर होना चाहिए था, क्या वो थी? ये डीआईजी की रिपोर्ट में 24 घंटे में सामने आ जाएगा कि कौन कौन दोषी है। इसके बाद कार्रवाई का जो हम कैनवस देख रहे हैं वो कैनवस और बड़ा हो सकता है। या बड़ी जानकारी दे रहे हैं विवेक, आप कह रहे हैं कि ये कार्रवाई और व्यापक हो सकती है, जी आप बता रहे हैं कि ये कार्रवाई और व्यापक हो सकती है और इसीलिए डीआईजी झांसी वहां पर जा रहे हैं, कैंप करेंगे, सारे मामले की खुद जांच करेंगे, देखेंगे कि ये जानकारी बड़े अधिकारियों को थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या एक्शन लिया और उसके बाद वो रिपोर्ट करेंगे और संतोषजनक कार्रवाई तक वहीं रहेंगे। विवेक, हमारे साथ बने रहिए आप।